मसरूफ होती हैं और मर्द बच्चे संभाल रहे होते हैं। ये माजरा क्या है? मौजूद मर्दों से हम बात करेंगे कि खवातीन मर्दों के साथ ऐसा क्यों करती हैं। कैसा लग रहा है? जेब भी खाली हो रही है, ऊपर से बच्चा भी पकड़ा हुआ, शॉपिंग कर रही है, बीवी मजे ले रही है। बच्चे काफी तंग करते हैं लेकिन अच्छा लगता है इनका तंग करना। अच्छा लग रहा है, थक भी गए तो अब वेट कर रहे हैं कि कब मदर आएंगी और आके उठाएंगी और हम थोड़ा सा सुकून करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद उठा लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर। अस्सलाम वालेकुम, बोल बस के साथ मैं हूं सनम। नाज़रीन, अक्सर मार्केट में हमें ये देखने को मिलता है कि खवातीन तो शॉपिंग कर रही होती हैं लेकिन मर्द हजरात बाहर गर्मी में बच्चे संभालने में मसरूफ होते हैं। तो आज हम उन मर्दों से बात करेंगे और उनकी कैफियत जानने की कोशिश करेंगे कि जब खवातीन ईद की शॉपिंग अंदर ठंडे मॉल में कर रही होती हैं तो मर्दों के लिए बाहर गर्मी में बच्चे संभालना कितना मुश्किल होता है और खवातीन कितनी देर लगाती हैं शॉपिंग करके आने में और तब तक बच्चे उनका क्या हाल करते हैं, आइए जानते हैं। बहुत आ रहे हैं, देखे पसीना आ रहा है। कहाँ है इसकी मामा? मामा इसकी वो सामने खड़ी हुई है। वहाँ क्या कर रही है? मैं कहा शॉपिंग करने आई, ज्वेलरी की और शूज वगैरह लेने। इन्होंने 3-4 घंटे में ऐसी कौन सी शॉपिंग है जो कंप्लीट नहीं हुई? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मामा कहाँ है? मामा कहाँ है? बोरी। अच्छा, मुझे ये बताएं ये मर्दों बेचारों के साथ ऐसे क्यों होता है, उन्हें बच्चे क्यों संभालने पड़ते हैं? वो बस अंदर रश ज्यादा होता है और बच्चे जो है वो तंग करते हैं तो वो शॉपिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से ये बच्चे हमारे पास आ जाते हैं और खुद ही आराम से शॉपिंग कर लेते हैं। बच्चे कितना तंग करते हैं आप लोगों को? बच्चे काफी तंग करते हैं लेकिन अच्छा लगता है इनका तंग करना। सही है। तो बच्चों ने अब तक कितनी खर्चा कर लिया है टॉयज पे आपका? मेरे ख्याल है 2000 रुपए तो लगे होंगे। क्या क्या लिया 2000 में? इन्होंने ये राइड ली है गाड़ी की और ये गेम्स वगैरह और जो दूसरी चीजें शॉपिंग करते रहते हैं। आपको पता है जो उनसे चीज सामने नजर आ जाती है उसी को कह देते हैं कि यही लेनी है दोबारा। ढाई महीने की बच्ची आप संभाल रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है। मैं तो कब से देख रही हूँ कि आप ये इसको झूला झूला रहे हैं और आप कब से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? जब से पैदाइश हुई, 2.5 महीने, तब से कर रहे हैं। नहीं, अभी मार्केट में कब से कर रहे हैं? हाफ एन आवर आई गेस, जब से आए हैं तब से कर रहे हैं। वाइफ किधर है? ढूंढ रही है, कुछ शॉपिंग कर रही है, चीज़ों में देर बाय द वे अंदर बाहर डिफरेंट शॉप पे इसी के ड्रेसेस ढूंढी जा रहे हैं। पहली ईद है तो ऑब्वियसली इसकी चीज़ें देख रहे हैं। सही है। तो कितना मुश्किल काम है फादर के लिए बच्चों को संभालना? मुश्किल है, डेफिनेटली मुश्किल है। एंड आई एडमायर कि जिस तरह मदद कर रही होती हैं, बड़ी बात है। बहुत मुश्किल है हमारे लिए तो मुश्किल है। अभी हमने मार्केट में देखा है तो मोस्टली मर्द हजरात यही कर रहे हैं, वो बच्चे संभाल रहे हैं, खवातीन शॉपिंग कर रही हैं। ये प्रैक्टिस मुझे लगता है हर मर्द करता है। आई गेस करनी भी चाहिए ताकि सपोर्ट कर सकें, अदरवाइज तो फिर मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं होना। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, थक भी गए तो अब वेट कर रहे हैं कि कब मदर आएंगी और आके उठाएंगी और हम थोड़ा सा सुकून करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद उठा लेंगे। कैसा लग रहा है बच्चे संभालते हुए? कैसा लग रहा है, जेब भी खाली हो रही है, ऊपर से बच्चा भी पकड़ा हुआ है, शॉपिंग कर रही है, बीवी मजे ले रही है। आपको नहीं मजे आ रहे? बहुत आ रहे हैं, देखिए पसीना आ रहा है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बच्चे को मजा आ रहा है? बच्चे को पता नहीं आ रहा है, पापा को जरूर आ रहा है, साथ पसीना भी आ रहा है और मजा भी आ रहा है। कितनी देर हो गई है बच्चा संभालते हुए? कब से आई हुई है वाइफ और गई हुई है? तकरीबन 1.5 घंटा तो हो गया। कुछ लिया भी है कि ऐसे घूम रही है? अभी एक दुपट्टा ही लिया है। क्या, सिर्फ दुपट्टा लिया है? वो पकड़ा हुआ है उसके हाथ में। सही है। तो कैसी लग रही है ये ड्यूटियां, हर बाप यहाँ पे ये ड्यूटी दे रहा है? बस देनी पड़ेगी जी, नहीं देंगे तो फिर किसने देनी, हमने देनी नहीं, कोई और तो है नहीं। बच्चे ने कितना तंग कर दिया अब तक? ये बार बार कभी सो रहा है कभी जाग रहा है, उठा रहा हूँ इसको बार बार। तो सोने देना, अच्छी बात है, सुकून हो जाएगा आपको और उसको। सोने में पकड़ना तो फिर मुझे, कभी इधर को जाता कभी इधर को जाते। साफ साफ के ना बासु थक गए हैं। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या प्लान है, कब तक और ये ड्यूटी देनी है? मैं तो कह रहा हूँ अभी जाए, बस बस करें, अब निकलें, घर जाए, आराम करें। बेचारे मर्दों पे बड़ा तरस आ रहा है आज मुझे। आना भी चाहिए क्योंकि काफी मुश्किल है। आप ये सोचें कि आपको 4 घंटे बच्चा संभालने में इतनी मुश्किल हो रही है, जो माएं घर में 24 घंटे बच्चे को संभालती हैं तो क्या हाल होता होगा? देखिए जी, हम ये ड्यूटी इसलिए दे रहे हैं ना कि चलो शॉपिंग कर रही है तो उनको फिर थोड़ा सा रिलैक्स किया है, तो हम बच्चे इसलिए हम नहीं संभाल रहे हैं। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि शदीद गर्मी में और शदीद रश में
बच्चों ने अपने बाप मामू चाचू दादे का क्या हाल किया हुआ है। आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल बोल बस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।